सेक्शन 160 अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, जो हमें छोड़ के जा रहा है उसको रीअपॉइंट ना करके हम किसी नए पर्सन को लेके आ रहे हैं ऑन बोर्ड, रूल 13 में बातें की जाती हैं इसको। अब हमें कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो ऑन बोर्ड नहीं है, यानी कोई नया पर्सन आ रहा है, तो जिसको हम अपॉइंट करना चाहते हैं एज ए न्यू डायरेक्टर, हमें कंपनी को 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा मीटिंग से। मीटिंग का नोटिस आता है 21 डेज का, ठीक है, तो एटलीस्ट 14 डेज का नोटिस जाएगा कि एक्स पर्सन वॉन्ट्स टू अपॉइंट एज एन ऑडिटर, ऑडिटर डायरेक्टर, कुछ भी हाँ बोल दो, मैं कुछ भी बोलू तुम लोग हाँ बोल दो, खासकर तू, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो नोटिस जाएगा वो रिटर्न नोटिस जाएगा, नोटिस क्या होगा रिटर्न, ठीक है, रिटर्न इंटेंशन, इंटेंशन इंटेंशन, मेरी इच्छा है कि मैं अपॉइंट होना चाहता हूं एज ए डायरेक्टर, ठीक है, उसकी रिटर्न इंटेंशन कि मैं एक वो कैंडिडेट हूं जो अपॉइंट होना चाहता है एज ए डायरेक्टर, लेट से मीनाक्षी, अभी छोटी नहीं बड़ी हो गई है, ठीक है। तो अब जिस कंपनी में मैं अपॉइंट होना चाहता हूं एज ए डायरेक्टर, मुझे 1,00,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे कि ये लो मेरी कैंडिडेचर फीस, मेरे को आप डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, मैं आपके पास फीस जमा करा रहा हूं, ठीक है। और निधि कंपनीज के डायरेक्टर के लिए ये फीस हो जाती है 10,000 रुपीज, अदर देन निधि कंपनी आपकी फीस रहेगी 1,00,000 रुपीज, ठीक है, आई बात समझ में, सब 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 में 1,00,000 रुपए। वो तो डीआईआर तो यार उसके लिए ना, डिन वगैरह के लिए एप्लीकेशन देता है और सब उस चीज में चलेगी ना, हाँ। तो पर इसकी इनकी फीस रिफंड हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, रुको तो सही, जब ये डायरेक्टर बन जाएंगे ना इनकी फीस रिफंड हो जाती है, ऐसे नहीं होता, सारी फीस कंपनी खाती नहीं है, कह रहे पर कुछ की खाती भी है, नहीं बने तो ही तो बताने वाला हूं अभी, सुनो तो सही, कह रहे कंपनी एडवर्टाइज करेगी 2 न्यूज़पेपर में एटलीस्ट 7 डेज बिफोर मीटिंग, ठीक है, और वेबसाइट पे भी प्लेस कर देगी, ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में। उसके बाद कह रहा है जो 1,00,000 रुपए आपने दिए थे ना, वो आपको रिफंड हो जाएंगे अगर आप डायरेक्टर बन गए तो, ठीक है, या फिर अगर आपका कैंडिडेचर हमने मीटिंग में रखा, डायरेक्टर अपॉइंट कहां हो रहा है, जीएम में हो रहा है, तो ओआर पास करके, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके हो जाता है, बट आपके लिए वोटिंग हुई, ठीक है, आपके लिए वोटिंग हुई कि कौन कौन आयुष के लिए क्या हाथ खड़े करता है या फिर इच्छा जाहिर करता है कि इसको डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, और 25% वोट आ गए मेरे पास, मैं अपॉइंट नहीं हुआ, अपॉइंट हो गया तो मेरी फीस तो रिफंड, बट अगर मेरे पास सिर्फ 25% से ज्यादा, 1/4 से ज्यादा, यानी मोर देन 25% वोट्स मेरे फेवर में कास्ट हो गए ना, तो भी मेरी फीस रिफंड हो जाएगी, ठीक है, बट अगर इससे कम हुए तो फिर फॉरफिट हो जाएगी, मेरे पैसे चले जाएंगे, मेरे पैसे डूब जाएंगे, आई बात समझ में, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है प्राइवेट होली ओन सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, होली ओन सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनीज के लिए क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। आइए समअप करते हैं 160 को। मैं डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता हूं आप लोगों की कंपनी में, तो 14 डेज का नोटिस देके चलेंगे, मिनिमम 14 डेज का नोटिस होगा, ठीक है, नोटिस किसमें होगा, राइटिंग में होगा, ठीक है, लिख के देंगे, लिख के देखो जी, मेरे को लिखना भी आता है, कंफर्म हो जाता है कि हमें लिखना भी आता है, हम पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न इंटेंशन होगी कि मेरी इच्छा है, खुद की इच्छा है, मेरे को कोई जोर जबरदस्ती करके नहीं बना रहा डायरेक्टर, ठीक है, हो गया। उसके बाद मुझे 1,00,000 रुपए साथ में भी देने पड़ेंगे, निधि कंपनी के केस में 10,000 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है, और कंपनी को अब एडवर्टाइज कराना पड़ेगा ये 2 न्यूज़पेपर में, एक तो लोकल लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, और 7 डेज मिनिमम 7 डेज पहले एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी, ठीक है, जो 1,00,000 रुपए वो रिफंड बैक हो जाएंगे अगर मैं डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, और अगर एटलीस्ट 26% यानी मोर देन 25% भी वोट मेरे फेवर में कास्ट हो गए और मैं अपॉइंट नहीं हुआ मान लिया, तो भी मेरी को रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। पर फॉरफिट कब होगा, जब मैं डायरेक्टर भी नहीं बन पाया, तो मेरी डायरेक्टरशिप भी चली जाती है, मेरे पैसे भी चले जाते हैं, ठीक है, आई बात सामने बड़ा, ठीक है। ये प्रोविजन प्राइवेट कंपनी, हॉलीवुड सब्सिडरी, ठीक है, और गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। कौन से बन रहे, ऑनलाइन
कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है उन पे. 1 लाख पहले जब मैं कह रहे हैं कि ऐसे अपॉइंट नहीं करना, 160 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दीज कंपनीज. ठीक है, तो फिर 1 लाख की बात क्या है? नहीं, आपको मैंने बोला कि इस प्रोसेस से अपॉइंटमेंट नहीं होगा इन कंपनीज के लिए. ठीक है, तो फिर इस प्रोसेस में ही तो आ रही है 1 लाख पीस भी. ओपीसी में सिंगल मेंबर, वो खुद ही अपॉइंट करता है, खुद की जीएम, अकलौता आदमी. सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, वही चलेगा फिर, है ना? चले आगे. 160 में कोई डाउट मेघना जी? कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है, होनी भी नहीं चाहिए थी. फिर आगे क्या कहना चाह रहा है सुनेगा. अब हम ना बहुत सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके चलेंगे. ठीक है, बहुत सारे, कौन कौन से? 4 डायरेक्टर्स देखते हैं अभी पहले. ठीक है, पहले तो सबसे पहले तो बात करते हैं 161 की अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड. कौन कौन से डायरेक्टर को बोर्ड अपॉइंट करेगा? पहले अभी हमने क्या पढ़ा अभी तक कि जीएम में अपॉइंट होंगे, पर ये कौन अपॉइंट करने वाले हैं? बोर्ड. फर्स्ट सबसेक्शन 1 ऑफ 161 क्या कहता है? एडिशनल डायरेक्टर जो होता है ना, इसे अपॉइंट करता है बोर्ड. पर कब? जब एओए में ऑथराइज किया गया है. अगर एओए आपको ऑथराइज कर रहा है तो ही बोर्ड अपॉइंट कर सकता है. कौन? एडिशनल डायरेक्टर. ये एडिशनल कौन होता होगा? एडिशनल कौन होता होगा? और नहीं, नो, कौन होता होगा? वो तो नो में नहीं होता है, फिर एडिशनल कौन होता है? अभी तक हमने बात करी थी कि हम डायरेक्टर को अपॉइंट कहां करते हैं? जीएम में. मान लो एक जीएम हुई और दूसरी जीएम होने में 1 साल लगेगा, बीच में हमें डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टर्स की मारामारी है, डायरेक्टर चाहिए, भूख लगी है कंपनी को डायरेक्टर की, डायरेक्टर चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, डायरेक्टर चाहिए. तो उस केस में हम अपॉइंट कर देते हैं एडिशनल डायरेक्टर जीएम में ना करके. कौन कर रहा है? बोर्ड कर रहा है. बोर्ड मीटिंग बुला के बीआर पास करके हम किसको अपॉइंट कर देंगे? डायरेक्टर. कौन सा? एडिशनल. पर एडिशनल डायरेक्टर कौन बन सकते? कह रहा है पर्सन हु फेल्स टू अपॉइंट टू गेट अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग. लेट्स से पीयूष, ठीक है, अपना 160 सेक्शन जो भी हमने पढ़ा उसमें अपना कैंडिडेटर लेके गया कंपनी के पास कि मुझे अपॉइंट करो डायरेक्टर, और वहां पे वो फेल हो गया एज यूजुअल. हाँ, वो वहां पे अपॉइंट नहीं हो पाया. ओ माय गॉड, अपॉइंट नहीं हो पाया. तो समझो आप जिंदगी भर ये बात याद रखना, आप वहां फेल हुए थे ना, हम आपका एडिशनल भी अपॉइंट नहीं करेंगे कभी. जब आपका मेंबर नहीं कर सकते हमारे, तो हम क्यों करें आपको? ठीक है, आई बात समझ में? जो फेल हो गया जीएम में अपॉइंट होने के लिए, तो उस पर्सन को हम अपॉइंट नहीं करेंगे. पर अब कोई अपॉइंट हो गया तो कितने टाइम के लिए होगा? कह रहा अप टू नेक्स्ट एजीएम, यानी बीच में अपॉइंट किया है तो एजीएम में उसको रिटायर कर देंगे, एडिशनल डायरेक्टर चला जाएगा घर पे. या फिर लेट्स से मान लो किसी कारणवश एजीएम नहीं हो पाई, लास्ट डेट निकल गई एजीएम की, तो जिस दिन एजीएम की लास्ट डेट थी उस तारीख तक ही वो पर्सन एज ए एडिशनल डायरेक्टर कंपनी में रहेगा, उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर खत्म. आई बात समझ में? क्या? हाँ, स्पेसिफिक टेन्योर नहीं होता. ठीक है, एजीएम, अब जनरली एजीएम में तो अपॉइंट होता है, उसको हम दोबारा से एजीएम में रीअपॉइंट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है. पर एडिशनल वही टेन्योर जो इससे नॉर्मल चलते हैं, फिर वो रोटेशन वाला कंसेप्ट नॉर्मल डायरेक्टर की तरह हो जाएगा वो. पर एडिशनल का स्पेशल कंसेप्ट है, जो कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड करता है, और उसका टेन्योर उतना होता है जब तक नेक्स्ट एजीएम आएगी. ठीक है, आई बात समझ में? या फिर लास्ट डे जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी, एजीएम ना हो पाई किसी कारणवश, कोविड की वजह से नहीं हो पाई, तो आप जाओ अपने घर, सॉरी हो गया. अब वो नहीं हो पाई, मैंने बोला नहीं हो पाई, उस केस की बात कर रहे हैं. आई बात समझ में? चले आगे. चले क्या? उसके बाद बात करता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर, सबसेक्शन 2 ऑल्टरनेट. अभी क्या पढ़ा हमने? ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या डायरेक्टर कोई भी बने, चाहे कोई भी, स्मॉल बने, एडिशनल बने, नॉर्मल बने, इंडिपेंडेंट बने, या और भी जो आगे हम पढ़ने वाले, ऑल्टरनेट बने या नॉमिनी बने, कोई भी बने, दिन के बिना नहीं बनेगा. उनका दिन ही जब चलेगा जब उनके पास दिन होगा. ठीक है, उनका दिन ही तब आएगा. चले आगे. क्या कह रहे हैं? अल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है? अल्टरनेट कौन है? क्या कह रहे हो? हाँ बताओ, क्या एग्जांपल दिया था आपने? कोई डायरेक्टर है वो हॉलिडे पे या कहीं गया, उसका पीछे
मतलब कहना चाह रहा है कि एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर किसी की जगह आ रहा है, एक ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी का ओरिजिनल डायरेक्टर है, ठीक है, जो जीएम में अपॉइंट हुआ था, ठीक है, पर वो किसी कारणवश इंडिया में नहीं है, उसको बहुत जोर से बाहर जाना पड़ा, ठीक है, बहुत जोर से बाहर जाना पड़ा, और वो इतनी ज्यादा बाहर चला गया कि 3 महीने तक नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो एटलीस्ट 3 महीने से ज्यादा के लिए बाहर जा रहा है, मिनिमम 3, मैक्सिमम आगे हो सकता है, और वो बाहर जा रहा है, तो उसकी जगह कोई दूसरा लाएंगे हम, उसका ऑल्टरनेट लाएंगे हम, ठीक है, कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर इफ ओरिजिनल डायरेक्टर गोइंग अब्रॉड फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, ठीक है, बट कब अपॉइंट कर सकते हैं, ऑथराइजेस इफ, ठीक है, अपॉइंटेड इफ ऑथराइजेस बाय एओए और बाय ओआरएन जीएम, हमने ऑथराइज कर रखा हो कि हम ऑल्टरनेट अपॉइंट कर सकते हैं तो ही ऑल्टरनेट लाएंगे, अदरवाइज नहीं ला सकते, ना भारत के बाहर जाएगा तो ही ऑल्टरनेट लाएंगे, अरे यार 3 महीने से ज्यादा के लिए भारत से में ही रह के कहां गायब होगा कोई इंसान, अगर आप पैदल निकलो ना पूरा भारत घुमाओगे आप वापिस आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, पर वो ज्यादा अमीर था, बाहर रहने का शौक था बेचारे को, ठीक है, तो ठीक है, अब जैसे दिया को कोरिया जाने का बड़ा शौक है, और मान लो ये किसी कंपनी की डायरेक्टर, A2S की डायरेक्टर बन गई, ठीक है, और बाहर चली गई, वहां पे किसी से मिल गई, किससे, किम से मिली, उसने इसको आने नहीं दिया, इसका जाने का मन नहीं था, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मुझे ऑल्टरनेट मीनाक्षी को अपॉइंट करना ही पड़ेगा दिया के भी आप पे, ठीक है, या फिर हो सकता है ये तीनों ही चले गए BTS के पास, तो फिर मैं अंजना को अपॉइंट कर दूंगा, मेघना को कर दूंगा, लखेरा को कर दूंगा, किसी को तो कर ही दूंगा, ये ऑल्टरनेट, ठीक है, करना पड़ेगा, क्या करें, चले गए थे बाहर, अभी दो यहां गरीब लोगों का कौन आता है, साथ ही नहीं देता कोई, तुम लोग बन जाओ, और मेरी कंपनी में डायरेक्टरशिप ऑफर कर रहा हूं मैं तुम लोगों को, ले लो, ठीक है, बस 10-10 लाख रुपए, नहीं 6 महीने में, भाई इतनी रेप्यूटेड कंपनी में डायरेक्टर बन रहे हो तुम, तो मैं लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं मांग रहा, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग मांग रहा हूँ, अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग मांग रहा हूँ, चल हाँ रेमुनरेशन तुम मांग लो, देना तो मैं नहीं है, हाँ तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाओ, छोड़ो 5 साल के लिए बन जाओ, और हर 6 महीने में फीस दे देना, चलो डिस्काउंट दे, 50% का डिस्काउंट दे देता हूँ, बोलो बनेगी, खेरा बन जाना, तो स्मार्ट डिसीजन सोच के लो, बिल्कुल सो, मैंने मना कब किया आपको, मैंने पूरे 10 सेकंड दिए सोचने के लिए और आप बन गए, पैसे दो, मैंने आपको अपॉइंट कर लिया, तो क्या कह रहा, सुनेगा अब एडिशनल अल्टरनेट के लिए कुछ बातें कह रहा है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर इफ एन, हाँ ये देखो ये क्या कह रहा है, एक आईटी है ना, जो एक आईटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हाँ वो चला गया बाहर 3 महीने के लिए, ठीक है तो उस आईडी के लिए ऑल्टरनेट नहीं चाहिए हमें, बट चाहिए भी, अगर वो क्वालिफाई हो, ऑल्टरनेट वही आएगा जो आईडी बनने के लिए क्वालिफाई है, हैं? अब मैं आईडी, ठीक है, मैं आईडी मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी 3 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं, तो मेरे लिए ऑल्टरनेट लाना है ना, तो समझो वही पर्सन लाना जो आईडी बन सकता है, ठीक है, ऑल्टरनेट आईडी का जो होगा वो भी आईडी बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है, आई बात समझ में, ओके, अब बताओ मुझे एक बात, मेरा टेन्योर यानी ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर कितना रहेगा, कितने टाइम के लिए अपॉइंट करता है, कह रहा है ओरिजिनल एक्चुअल टेन्योर, ओहो, मान लो अगली एजीएम में उस बंदे को रिटायर होना था जिसकी जगह मेरे को अपॉइंट किया गया है, उसका टेन्योर बाकी 2 महीने का था, तो वो या फिर ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में आ गया, वापिस आ गया, मैं वापस आऊंगा ऐसे कह के गया था वो, और हमें लगा मजाक कर रहा है, और एक दिन आगे कहता है मैं वापिस आ गया, धप्पा बोलता है साथ में, हम डर गए, हमें लगा कंपनी के मजे हम पूरे उठाएंगे, पर नहीं उठाने दिए उसने, वो वापस आ गया, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, तो उस दिन मेरा टेन्योर खत्म, यानी ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर खत्म। अब मान लो अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट की बात करते हैं ना, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो मान लो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो रहा है तो वो ऑल्टरनेट का होगा या ओरिजिनल का होगा, बताओ, हाँ ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर जो हम 152(7) में पढ़ के आए हैं, हाँ ये ऑल्टरनेट पे ना एप्लीकेबल नहीं होता, अपॉइंटमेंट तो आपका ऑल्टरनेट हुआ है, आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो, पर रीअपॉइंटमेंट हमने करना होगा तो ओरिजिनल का करेंगे, आपका नहीं करेंगे, आई बात समझ में,
समझ आता है यहां तक? जो ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है ना, ये एजेंट होता है कंपनी का। क्या कहता है? आप हमारे क्या हो? एजेंट। देखो ऑल्टरनेट, एक जा रहा था दूसरा आ रहा था गले मिलके। क्यों? रीअपॉइंटमेंट के लिए? नहीं भाई, बाहर ही बैठा रहे, तेरी जगह ये अल्टरनेट काम कर रहा है, पर अपॉइंटमेंट हमने उसी का ही करा है। ठीक है, अभी हमने क्या बोला, उसका टेन्योर कब तक रहेगा? जब तो वो बाहर से आ गया, या फिर उसका उसका टेन्योर जो ओरिजिनल का टेन्योर चल रहा है, रीअपॉइंटमेंट हो गया तो उसका टेन्योर स्टार्ट हो गया दोबारा से, तो ऑल्टरनेट वर्क करता रहेगा। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या है? हमारा एजेंट है। देखो देखो, ये जा रहा था, ये आ रहा था, ओ माय गॉड। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है टू बी अपॉइंटेड बाय कंपनी एंड नॉट बाय ओरिजिनल डायरेक्टर। ओरिजिनल डायरेक्टर ये नहीं कह के जा सकता ये मेरा छोटा भाई है, इसी को मेरा ऑल्टरनेट बना लो, ये मेरे को पूरा जानता है, अच्छे से जानता है, सुबह में ब्रश कितने बजे करता हूं, शाम को सोता कितने बजे हूं, चाय कितने बजे पीता हूं, इसको सब पता है। अरे नहीं 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 नहीं, नो नो नो, हम कंपनी खुद अपॉइंट करेंगे। ठीक है, आप हमें मत सिखाओ, हम अपने आप ले आएंगे, आप जाओ। वन पर्सन नोट बिकम ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑफ टू ओरिजिनल डायरेक्टर इन सेम कंपनी। मान लो दो भाई जा रहे थे, तीसरा भाई भी था, ठीक है, उसको अपॉइंट कर लिया, पर दो बंदों के बिहाफ पे नो, एक पर्सन का एक ऑल्टरनेट। परछाई एक की दो हो सकती है? हा? या दो की एक परछाई हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो ये ऑल्टरनेट इज ए परछाई, पर एक की परछाई एक ही होगी। ठीक है, भरजाई ज्यादा हो सकती है, पर परछाई एक ही होगी। ठीक है ना, है ना दिया? ठीक है, आगे चलते हैं। मिन की, ठीक है, ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप। ठीक है, जो आप पर्सन हो, आपको ऑल्टरनेट डायरेक्टर हमने अपॉइंट किया, ठीक है, तो आपकी जो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप हम 165 में पढ़ेंगे, मैक्सिमम 20, उसमें डायरेक्टरशिप में काउंट होगा ऑल्टरनेट। ठीक है, आपकी डायरेक्टरशिप मानी जाएगी, आप डायरेक्टर हो किसी कंपनी में, चाहे ऑल्टरनेट ही हो। ठीक है, आइए बात समझ में, यहां तक 161 सबसेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर, 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, चले आगे चले, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? कोई नहीं है, चलो फिर आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा सेक्शन आने वाला है, सबसेक्शन 3 नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी, नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? कौन अपॉइंट कर रहा है? बोर्ड ही अपॉइंट कर रहा है। हम पूरे सेक्शन में यही पढ़ रहे हैं, बोर्ड कर रहा है, बोर्ड कर रहा है, बोर्ड कर रहा है, बोर नहीं कर रहा है, बोर्ड कर रहा है। ठीक है, बोर्ड कर रहा है, क्या कर रहा है? नॉमिनी डायरेक्टर इज नॉमिनेटेड बाय। कौन लाता है नॉमिनी डायरेक्टर को? एक बात बताऊं, एक कहानी सुनाता हूं। A2S ने ना बैंक से लोन लिया, बहुत सारा लोन। ठीक है, पर एज यूजुअल सबको बड़ा ट्रस्ट था, लोन दे दिया। ठीक है, पर एक बार ना विजय माल्या का सीन हुआ, विजय माल्या जैसे लोग, ठीक है, नीरव मोदी जैसे लोग निकलने लगे, ठीक है, और वो पैसा ले लेके बाहर भाग लगे। इनको लगा आयुष सर भी वैसे हो सकते हैं, पर उनको नहीं पता पर कितने सच्चे और सज्जन इंसान है। ठीक है, तो इनको लगा यार A2S में ना एक पर्सन बिठा देते हैं परमानेंटली, पता तो चले क्या कर रहे हैं लोग, पैसे आएंगे हमारे वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तो नॉमिनी, उन्होंने अपना नॉमिनी हमारे बोर्ड में बना दिया डायरेक्टर। क्या बन गया? नॉमिनी डायरेक्टर। कह रहे कौन करता है नॉमिनेट? एनी इंस्टीट्यूशन इन परसुएंस टू प्रोविजंस ऑफ लॉ। ठीक है, कोई भी नॉमिनी आ सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना बंदा ला सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो भी ला सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग इन गवर्नमेंट कंपनी, या कोई एग्रीमेंट हुआ है, लेट्स से कोई लोन एग्रीमेंट हुआ था किसी बैंक के साथ, उन्होंने अपना पर्सन बिठा दिया, ऐसे नॉमिनेट करते हैं और ऐसे अपॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, है ना, कोई दिक्कत? क्या? हाँ हाँ, पर बाद में पता सिक्योरिटी इतनी, हमें लगा कि यार सिक्योरिटी डिप्लीट हो गई, हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी हुई, या फिर लोन ने बोला था कि आप अपना बिठा दो, या फिर हमारे एग्रीमेंट में ऐसा लिखा था जब हम चाहे तो हम बिठा सकते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने था, सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कोई फ्रॉड ना हो जाए, यार हमारी कंपनी है, हमारे मेंबरशिप है, बिठाओ बिठाओ कोई दिक्कत नहीं है, अपना बंदा बिठा देंगे, क्या दिक्कत? उनका क्या जा रहा है, एक बंदा ही तो बिठाना है, वो नजर रखेगा। हाँ, ये क्वेश्चन तेरा फिक्स हो गया हर बार ना, पूछती रहेगी। हाँ जी, उसी पे जहां पे ये सब चीजें जरूरत पड़ती है, लॉ में बोला गया उस किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, तो उसमें, या फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया किसी कंपनी ने, जैसे A2S ने कोई एग्रीमेंट किया बैंक के साथ, ठीक है, तो या फिर मेरी कंपनी में CG हम, मोदी जी आए खुद ही कह रहे हैं यार आयुष जी आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे, और लगाओ मेरे का, कह रहे हैं यार मुझे एक काम करो आपकी कंपनी को बना देते गवर्नमेंट कंपनी, ये लो 51% शेयर होल्डिंग मुझे दे दो। अच्छा सर पैसे? कह रहे जितने मन चाहे, मैंने कहा आधा इंडिया नाम कर दो।
फिर सुबह सच्ची में 5 बज गया, अलार्म बज गया। हाँ, जब उनका लोन उतर गया, हटा दो इसको, और क्या, जब उनका काम हो गया, जिस इंस्टीट्यूशन ने बिठाया, जब उनका काम हुआ, 9 महीने को वापस बुला लो। वैकेंसी के केस में बोर्ड जब अपॉइंट कर रहा था, बोर्ड ही अपॉइंट करेगा दोबारा से, पर रिकमेंड कौन करेगा, नॉमिनेट कौन कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। वो तो वैसे ही है ना, इंडिपेंडेंट पर्सन होने चाहिए ताकि बायस ना हो जाए। बायस तो किसी में हो ही नहीं सकता ना, कोई हो ही नहीं सकता बायस्ड। आई बात समझ में, यहां तक दिक्कत, कोई परेशानी, चलें आगे। उसके बाद कह रहे कैजुअल वैकेंसी, जैसे ऑडिटर में हमने फिल की थी ना 139(8) में, यहाँ पे भी कैजुअल वैकेंसी की बात कर रहे हैं। कह रहा है बोर्ड फिल कर देगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। इन बीएम, बीएम में पास करना है, बोर्ड मीटिंग में करना है, बीआर पास करके, नोट बाय सर्कुलेशन, ठीक है, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उससे नहीं करना। सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन जीएम, बोर्ड ने कैजुअल वैकेंसी तो फाइल कर दी, पर नेक्स्ट जनरल मीटिंग में उस मेंबर से क्या ले लो, अप्रूवल ले लो कि देखो जी इसको हमने अपॉइंट किया है, क्या आप एग्री करते हो इसको अपॉइंट करना। वो कहते हैं एग्री तो ओके, नहीं तो बार में उसको ठोको और भगाओ, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद कह रहे टेन्योर कब तक होगा, जब आउटगोइंग डायरेक्टर गया उसका टेन्योर जितना बाकी था उतने तक के लिए अपॉइंट होगा। लेट से आईडी की एक वैकेंसी आ गई, आईडी चला गया, आईडी का 5 साल का टेन्योर था, 3 साल करके 2 साल छोड़ के गया, तो उसकी जगह हमने क्या लाया, नया आईडी लाया, तो उसका टेन्योर 2 साल का होगा। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 2 साल के लिए काम करके 1 साल का बचा हुआ पीरियड छोड़ के चला गया, उसकी जगह हम कोई लाए तो फिर वो 1 साल का टेन्योर चलेगा। आई बात समझ में। ठीक है, हाँ 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 जरूर, दोनों आपस में बात करके एक ही करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो दोनों अपने अपने अलग अलग भी बिठा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हाँ तो फिर दो बार दो लोन के लिए नहीं आएगा, हाँ हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बोर्ड किस किस को अपॉइंट कर सकता है, सेक्शन 161 में कान पकड़ लेना, ठीक है। 161 को याद करने का तरीका है, कान पकड़ लो, देखो सी से कैजुअल वैकेंसी, डबल ए एडिशनल और अल्टरनेट, और एन नॉमिनी कान, ठीक है, कान कान पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दो ए हैं तो कान ही होएगा, कैन तो बनेगा नहीं ना, तो कान ही होएगा भाई, ठीक है। 161 के लिए हमें क्या करने हैं, कान पकड़ने हैं, ठीक है। सेक्शन 162 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली क्या कहता है। अभी तक हमने जो बात पढ़ी कि डायरेक्टर को अपॉइंट किस में करते हैं, जनरल मीटिंग में करते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके हैं, करते हैं। कह रहा है जितने भी डायरेक्टर आप अपॉइंट करो किस में, जनरल मीटिंग में, हर के लिए अलग रेजोल्यूशन पास करो, हर के लिए अलग वोटिंग कराओ, ठीक है। हर डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए आपको वोटिंग अलग से करवानी है, ठीक है। बट एक केस है जहां पे आप सब डायरेक्टर्स को एक ही रेजोल्यूशन के थ्रू पास कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक यूआर पास करना पड़ेगा कि हम सारे डायरेक्टर को एक ही रेजोल्यूशन से अपॉइंट करना चाहते हैं। उसको पास करने के लिए एक पहले एक रेजोल्यूशन कि हम अलाउ कर रहे हैं कि सब मेंबर्स एक बार ही वोट करे, एक ही रेजोल्यूशन पास करे और सब डायरेक्टर को अपॉइंट एक साथ कर ले। क्या कहता है सुनेगा, डायरेक्टर अपॉइंटेड इन जीएम बाय ओआर, ये हमें पता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है टू और मोर डायरेक्टर नॉट टू बी इलेक्टेड बाय सिंगल रेजोल्यूशन, जनरली नहीं होगा। कह रहा है टू और मोर डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय सिंगल रेजोल्यूशन, बट मीटिंग, जो मीटिंग है, फर्स्ट एग्री करे किस पे कि नो वोट हैज बीन कास्ट अगेंस्ट इट, मतलब और एग्री करे इस पे, और उसके जो हम एग्री करना चाह रहे हैं उस चीज के फेवर में एक भी वोट अगेंस्ट में कास्ट नहीं होना चाहिए। यानी यू आर पास होगा कि सब लोग सहमति दे रहे हैं अपनी कि हम एक ही रेजोल्यूशन से सब डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं तो काम चला लेंगे। आई बात समझ में। अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया कि आपने यू आर पास कराए बिना एक ही रेजोल्यूशन से सबको अपॉइंट कर दिया तो वो कॉन्ट्रावेंशन होगा और वो क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। वो काम हम मान लेंगे क्या है, वॉइड एब इनिशियो। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत। 162 टू बी वोटेड इंडिविजुअली, क्या अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। आगे एक सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट सा आता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल किसकी है, ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की है। पता है दो ग्रुप बन जाते हैं, आप अभी आगे जाके कंसेप्ट पढ़ोगे, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी रूल, ठीक है, उस आपके सिलेबस में भी है।
कह रहे कुछ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो वो चाहे तो अपने डायरेक्टर अपॉइंट करवा सकते हैं कंपनी में, ठीक है, तो उसके लिए ये कह रहे डायरेक्टर आर अपॉइंटेड इन जीएम बाय ओआर, ये भी वैसे ही होंगे, ठीक है, कि क्या है ये, कह रहे ये अपॉर्चुनिटी है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को टू प्लेस देयर रिप्रेजेंटेशन बोर्ड में, अपनी रिप्रेजेंटेशन, जैसे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पढ़ा ना हमने, वो भी क्या था, छोटे छोटे लोगों का मसीहा था, ये माइनॉरिटी का मसीहा है, ठीक है, पर ये एक नहीं होता, ये कई सारे हो सकते हैं, कह रहा है एटलीस्ट 2/3 ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इफ ऑथराइज बाय एओए, एओए में ऑथराइज कर रखा है तो टोटल डायरेक्टर के 2/3 हम माइनॉरिटी के लिए भी मतलब क्या कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से डाल सकते हैं, बट ये काम 3 साल में एक बार, कह रहे अपॉइंटमेंट शैल बी मेड वंस इन एवरी 3 ईयर, ठीक है, 3 साल में एक बार ये काम होगा, और ये डायरेक्टर्स, ये जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं इन्हें हम रिमूव नहीं कर सकते, जो हम रिमूवल का सेक्शन पढ़ेंगे 169 में, इनको अपॉइंट कर सकते हैं हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, क्यूमुलेटिव वोटिंग के थ्रू, या अदरवाइज कैसे भी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं एप्लीकेबल किस पे नहीं है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, होली ऑन गवर्नमेंट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और उसकी सब्सिडरीज पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। यहां तक समझ आया? क्या कह रहा है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उनकी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को बिठा दे बोर्ड के अंदर, 2/3 होने चाहिए, ठीक है, वंस इन ए 3 ईयर अपॉइंटमेंट होता है जनरल मीटिंग में, ओआर के थ्रू होता है, 169 में इनका रिमूवल नहीं हो सकता, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से भी हो सकता है, क्यूमुलेटिव वोटिंग से भी हो सकता है, या अदरवाइज भी हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट और उसकी सब्सिडरीज पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। यहां तक कोई दिक्कत? वही फिर बाकी रोटेशनल और उसमें चलेंगे यार, अपॉइंट हो गए पर रोटेशनल में वही सब चलते रहेंगे, रोटेशनल में से सिर्फ इंडिपेंडेंट निकलते हैं और स्मॉल शेयर होल्डर यही निकलते हैं, बाकी वही टेन्योर चलेगा फिर इनका, एडिशनल अल्टरनेट और ये नॉमिनी को हटाओ, इंडिपेंडेंट और स्मॉल शेयर होल्डर को हटाओ, बाकी सारे डायरेक्टर कॉमन डायरेक्टर, नॉर्मल डायरेक्टर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत? सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इसका, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, दो सब सेक्शन है इसके, 1 एंड 2, ठीक है, 1 जो है वो डायरेक्टर की खुद की डिस्क्वालिफिकेशन पे है और 2 जो है कंपनी की डिस्क्वालिफिकेशन पे है, ठीक है, ये सब पढ़ के हम इस सेक्शन में चलने वाले हैं, ठीक है। चार्जर मंगाइयो, चार्जर, हाँ, सबकी बातें करके चलेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सबसेक्शन 1 की, ठीक है, हमने क्या बोला, सबसेक्शन 1 में अगर मैं एक डायरेक्टर बनना चाह रहा हूं, मैं एक डायरेक्टर बनना चाह रहा हूं कंपनी में, और मेरी कुछ ऐसी हरकतें रही या मेरी कुछ ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन रही ऑन ए पर्सनल ग्राउंड, ठीक है, तो मैं डिस्क्वालिफाई हो रहा हूं इन सबसेक्शन 1। बट इन सबसेक्शन 2 मैं किसी कंपनी का ऑलरेडी एक डायरेक्टर हूं और उस कंपनी ने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किए तो मैं डिस्क्वालिफाई हो रहा हूं। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? मेरी पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशंस कहां आ रही है इन सबसेक्शन 1 एंड कंपनी की डिस्क्वालिफिकेशंस कहां आ रही हैं जिसकी वजह से मैं डिस्क्वालिफाई हो रहा हूं इन सेक्शन सबसेक्शन 2 में। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? चलें आगे फिर, एक मिनट देंगे। सबसेक्शन 1 क्या कहता है आइए समझते हैं। कह रहा है पर्सन कैन नॉट बी ए डायरेक्टर कब, इफ इफ फर्स्ट पॉइंट अनसाउंड माइंड का होगा। ओ माय गॉड, मतलब मिस्टर बीन नहीं बन सकता, मिस्टर बीन नहीं बन सकता डायरेक्टर, ठीक है, ठीक है, ओके, चलें आगे। सेकंड पॉइंट कह रहा है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एक इंसॉल्वेंट पर्सन जिसके पास पैसा रे नहीं है, ठीक है, मतलब गरीब आदमी जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, सब कुछ बिक चुका है, वो डायरेक्टर बन के क्या करेगा बेचारा? हाँ, नहीं बन सकता, वो ऐसे नहीं बन सकता क्योंकि वो अनडिस्चार्ज है, उसकी लाइबिलिटीज अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुई है। ओ माय गॉड, ठीक है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट भाई, वो नहीं बन सकता। अगला पॉइंट देखो और समझ आएगा। कह रहे अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग, उसने अप्लाई किया हुआ है, मेरे को दिवालिया घोषित कर दो, माल्या नहीं दिवालिया, और बात तो सिमिलर ही है वैसे, पर मुझे घोषित कर दो, पर एप्लीकेशन लगी हुई है कतार में, ठीक है, पर पेंडिंग है, नंबर आया ही नहीं, ठीक है, तो मैं अभी इंसॉल्वेंट नहीं बन पाया, मतलब अनडिस्चार्ज और जिसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है दोनों पर्सन नहीं बन सकते क्या डायरेक्टर? ओके, और उसके बाद कह रहे मेरे को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने,
जिसमें ऑफेंस किया था मैंने, मॉरल टर्पिट्यूड, ओ माय गॉड ये क्या होता है, मैंने हिंसक हरकतें की, मैंने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। मतलब लोगों की भावना है, उनकी वाइफ की बात नहीं कर रहा, जिन लोगों की वाइफ का नाम भावना है, नो वे, भावना है मतलब फीलिंग्स, ठीक है। भावना में हो भावना तो भावना बेकार है, भावना में हो भाव तो भव से बेड़ा पार है। आई बस समझ में, समझ नहीं आई थोड़ी देर बाद समझना। तो भावना, किसी की वाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा, मोरल टर्पिट्यूड देख रहे हो, मतलब मैं किसी की वाइफ को कुछ नहीं कह रहा, समझ रहे हो, मतलब फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रहा मैं, है? चलो आगे कह रहे हैं। और मुझे जेल हुई उसके लिए, मुझे जेल में बिठाया गया। अरे मैं क्यों बात अपनी कर रहा हूं, पीयूष की बात करते हैं, ठीक है, वही है इकलौता, ठीक है। और मुझे जेल हुई 6 महीने से, ठीक है, पर 7 साल से कम, 6 महीने से ज्यादा और 7 साल से कम, तो मैं 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकता। और जेल मुझे कब तक हुई, 6 महीने से ज्यादा और 7 साल से कम, तो मेरी जेल खत्म होने के 5 साल तक मैं किसी कंपनी में क्या नहीं बन सकता, डायरेक्टर। पर मुझे 7 साल से ज्यादा की जेल हुई तो मैं जिंदगी भर के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया, मैं कभी किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। मैं मुंह नहीं दिखा सकता उनको कि मुझे बना लो डायरेक्टर, क्या मुंह लेके जाऊंगा कि मैं जेल में रह के आया हूं, वो भी 7 साल से ज्यादा। वो कहानी क्या होती, जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, मुझको जेल में रहना पड़ेगा, पर 7 साल से ज्यादा तो फिर मेरे को डायरेक्टर नहीं बनने को मिलेगा। आई बात समझ में, वो ऑडिटर का था कन्विक्शन, ओए क्या कर रही है लड़की, ठीक है, जेल में आ गया मैं 7 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कोई ऑर्डर पास हुआ मेरे अगेंस्ट, किसने किया, कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने, कि भाई इसको तो नहीं बनाना क्या डायरेक्टर, ओके नहीं बनूंगा, ठीक है। मैंने कॉल्स पे नहीं की, नॉट पेड एनी कॉल इन एरियर, मैंने कंपनी के शेयर लिए हुए थे, ठीक है, और कॉल्स मांगी कंपनी ने, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, पर मैंने नहीं दिए, और उस बात को 6 महीने हो गए कंटिन्यूसली, 6 महीने तक कंपनी पैसा मांग रही है और मैं पैसा नहीं दे रहा है, क्योंकि है ही नहीं अपने पास, तो है ही नहीं, तो फिर कैसे देगा, तो फिर मेरे को डायरेक्टर नहीं बनाएगा, भाई तेरे पास पैसा ही नहीं है, तू फूटी कोड़ी वाला इंसान, तेरे को भगा दिया मैंने, जा रे जा। अरे लोन वोन की बात नहीं कर रहा मैं कॉल्स इन एरियर की बात कर रहा हूं, उस कंपनी ने पैसा मांगा, मैंने पैसा नहीं दिया, नहीं नहीं कोई दिक्कत, लोन तो भाई तुम कितने मत दो, तो तुम्हारे ऊपर डायरेक्टर हम बना लेंगे, ठीक है। और या फिर मैंने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में एंटर किया, और लास्ट 5 सालों तक तो नहीं, और देखो लास्ट पॉइंट सबसे प्यारा, मेरा दिन नहीं है, आज दिन चढ़िया, मेरा मेरे पास दिन नहीं है, मेरे पास दिन नहीं है, तो इसलिए मेरा दिन नहीं है, मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता। रे नहीं नहीं नहीं, पहले ले सकते थे, अपनी ले सकते, अब तो पहले दिन चाहिए, आपका दिन ही तभी आएगा जब आपके पास दिन होगा। हाँ 2013 एक्ट में लिख दिया, ये कोई दिक्कत, कोई परेशानी होने भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत, चले फिर आगे, ओके। अब कंपनी की बातें कर रहे हैं, ओ माय गॉड कंपनी की बातें देख रहे हो, डिस्क्वालीफाई कर दिया हमने ऊपर, देखो कितने ज्यादा, ओ माय गॉड डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। मेरा पेन कहाँ है बे, ये रहा छुपा हुआ था, कह रहा कंपनी ने फेल किया, क्या कंपनी फेल हो गई, क्या करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करने में, एनुअल रिटर्न्स को फाइल करने में, और 3 साल तक लगातार फेल हुई, बेचारी पढ़ती नहीं थी, फेल होती है। कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाए, फेल होगी बनाने में, फाइल करने में, और एनुअल रिटर्न, और 3 साल तक लगातार, तो उस कंपनी के डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई, और किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकते। उसके बाद कह रहा है या फिर रीपे करने में, क्या डिपॉजिट, हमने बाहर पब्लिक से डिपॉजिट लिए हुए थे, उनका टाइम पीरियड हो गया, हमने रीपे नहीं किए, या फिर उस पे इंटरेस्ट पे नहीं किया, ओके, या फिर और डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर इश्यू किए हुए थे, रिडीम करने का टाइम आ गया, हम रिडीम करना भूल गए, या फिर उन पे इंटरेस्ट नहीं दिया हमने, ओके ड्यू डेट चली गई, हाँ तो आप डिस्क्वालीफाई, या फिर आपने डिविडेंड तो डिक्लेयर किया, पर आप डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद भूल गए कि पे भी करना होता है, और ये तीनों डिस्क्वालिफिकेशन चली 1 साल तक, इन तीनों में से कोई भी एक भी, ठीक है, और 1 साल तक, और 1 साल से ज्यादा, तो आप डिस्क्वालिफाई। पर देखना एक बहुत स्टार मेकिंग बात है इसमें, क्या कहना चाहता है सुनिएगा,
कह रहा है प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी विच इज इन डिफॉल्ट ऑफ क्लोज ए और बी. एक पर्सन जो डायरेक्टर है किसका, उस कंपनी का जिन्होंने ए और बी क्लोज का क्या किया है, फेल किया है, डिस्क्वालीफाई हुआ है कंपनी, इसलिए तो कह रहा है ही शैल नॉट इनकर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट. ओ माई गॉड, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सुनेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मेकिंग पॉइंट है. कह रहा है अब एक पर्सन ने जो कंपनी है उसने डिस्क्वालिफिकेशन अटेन कर ली ए और बी क्लोज की, ठीक है, और उस कंपनी में पर्सन अपॉइंट हुआ है एज ए डायरेक्टर, ही शैल नॉट इनकर डिस्क्वालिफिकेशन. तो वो पर्सन, डिस्क्वालिफिकेशन पहले से चलती आ रही है ए और बी क्लोज की कंपनी के द्वारा, और डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद मैंने नया डायरेक्टर अपॉइंट किया था उस कंपनी में, तो उस पर्सन के लिए ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है नहीं आएगी, वो पर्सन डिस्क्वालिफाई नहीं होगा, वो पर्सन डायरेक्टर बनेगा, ठीक है, विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months के अंदर वो अपॉइंट हो गया है. आई बात समझ में, नई बात समझ आई. हाँ, कंपनी फेल होती है, हम क्या कह रहे हैं सुनिएगा, सुनो, एक कंपनी है ए लिमिटेड जिसने ए क्लोज और बी क्लोज की डिस्क्वालिफिकेशन की, क्या फाइल करने में या रीपे करने में, ठीक है, तो हम कह रहे हैं इसके डायरेक्टर डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं. मैं कह रहा हूं अब इस कंपनी ने डिस्क्वालिफिकेशन अटेन कर ली, पर एक पर्सन है एक्स जो डिस्क्वालिफिकेशन अटेन करने के बाद अपॉइंट हुआ इस कंपनी में, ठीक है, और उसको बंदे को सिर्फ 6 months तक का ही टाइम पीरियड हुआ है ज्वाइन किए, या फिर सुनिएगा, इनका डिफॉल्ट उसके अपॉइंटमेंट के बाद हुआ, ठीक है, ये डिफॉल्ट हुआ अपॉइंटमेंट के बाद, पर जब ये हमें डिस्क्वालिफिकेशन पता चली कंपनी की तो उस बंदे को सिर्फ 6 ही महीने हुए हैं और उससे कम हुआ है, तो इस पर्सन की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है. वो पर्सन जिसने जस्ट 6 महीने पहले और या उससे कम में हमने क्या कंपनी ने उसको अपॉइंट किया था, ठीक है, तो उस पर्सन के लिए ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगी, क्योंकि कंपनी का डिफॉल्ट तो हमने बोला 3 साल पिछले या फिर 1 साल और उससे ज्यादा, तो इसके लिए डिफॉल्ट नहीं है. ए में 3 साल की बात कर रहा है, बी में 1 ईयर और मोर की बात कर रहा है, पर इस पर्सन के लिए तो 6 महीने हुए भी अपॉइंट किए या उससे कम हुए, तो इस पर्सन को डिस्क्वालिफाई नहीं कर सकते आप. आई बात समझ में, आगे चले. हाँ, बिल्कुल हुए होंगे. कह रहे आप सुनिएगा, कह रहे ऑल डायरेक्टर शैल बी डिस्क्वालिफाइड. अब जो उस कंपनी के डायरेक्टर है वो डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच कंपनी फेल्स टू डू सो. ठीक है, अब वो 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन अटेन करता है वो पर्सन, वो डायरेक्टर जिस कंपनी के डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से 5 साल तक आप डायरेक्टर नहीं बन सकते. और इसका सबसेक्शन 2 में एक बात लिखी गई है, ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता गवर्नमेंट कंपनी पे. अगला क्वेश्चन, अगला जो है ना पॉइंट, यही इसी से रिलेटेड है, 167 में पढ़ेंगे. अभी रुक जाओ, ये छोटा सा सस्पेंस यहीं छोड़ दे, अभी आएगा. हाँ, सोच विजय माल्या तेरा फेवरेट है क्या, तेरे पैसे तेरे को देके गया था, जब क्या तो लेके गया था, इसको देके गया था लगता है, नहीं जानते वैसे वो भी नहीं जानता. किसने कहा, हाँ तो उस पर्सन को अपॉइंट नहीं करना, कोई दूसरे तो ला सकते हो. पर एक छोटा सा क्लोज है, चल तू कह रही है तो सस्पेंस खोल ही देता हूं. जो ये डिस्क्वालिफिकेशन आ रही है ना, ये जो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाई हो रहे हैं वो बाकी कंपनियों के लिए हो रहे हैं, इस कंपनी में वो डायरेक्टर रहेंगे, ये सस्पेंस है. ये इस कंपनी में तुमने इस कंपनी को बर्बाद किया है, ठीक है, तुम करो, तुम्हें हम बर्बाद ऐसा करेंगे कि तुम इसी कंपनी में रहो, बाकियों में जाओ, बाकियों से तुम्हें अपॉइंट नहीं कर सकता हम, ठीक है. हाँ, टेन्योर कौन सा, अरे 5 साल तक बाकी कंपनियों में डायरेक्टर नहीं बनेंगे. और को बात बताओ, एक छोटा सा सस्पेंस और खोल देता हूं, चल तू कह रही है तो. हमने क्या बोला, एक डायरेक्टर कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है, 20 में, ठीक है. और मान लो वो डायरेक्टर ना ऑलरेडी 19 कंपनियों में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा था, इसको हटा के, यानी टोटल कर तो 20 ही रहता है, तो इसके ऑफिस को वैकेट नहीं करेगा, पर 19 को वैकेट करना पड़ेगा. ओहो, सस्पेंस दे दिया मैंने तुझे यार, बहुत तगड़ा खोल दिया मैंने सस्पेंस, जा तू जी ले अपनी जिंदगी. हम क्या करें, सड़क पे बैठे तो क्या हो गया, क्या दिक्कत है, रोड पे नहीं, रोड पे आए, सड़क पे आए या सड़क 2 पे आए, अपने को क्या लेना देना, सड़क 2 आलिया भट्ट. चले आगे चले, यहां तक डाउट तो नहीं है ना, चलो आगे चलते हैं.
ओ आ गया सबसे प्यारा सेक्शन नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का, कह रहा है इंडिविजुअल शैल होल्ड मैक्सिमम ऑफ 20 डायरेक्टरशिप इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट, या भी हमने पढ़ा था ऑल्टरनेट भी इंक्लूड करके चलते हैं, आउट ऑफ 20 मैक्सिमम, मैक्सिमम यहां तो एक बहुत बड़ा प्यारा सा क्लोज, 20 में से ना कहां मैक्सिमम 10 कंपनियां जो वो हो सकती है, यानी पब्लिक कंपनी जो हम ले रहे हैं ना, पब्लिक कंपनी सिर्फ मैक्सिमम 10 हो सकती है, 11वीं पब्लिक कंपनी भी नहीं हो सकती, मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी आउट ऑफ दिस मैक्सिमम 20 प्राइवेट कंपनी दैट इज आइदर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लिमिट ऑफ पब्लिक कंपनी। याद है हमने जब सेक्शन पढ़ा था 268 में, ठीक है, और 271 में, 71 में हमने क्या पढ़ा था, 271 में पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में लास्ट पॉइंट, वो प्राइवेट कंपनी भी एक पब्लिक कंपनी होगी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। तो यहां पे वो डायरेक्टर के लिए पॉइंट लग गया, चिपक गया कि अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है तो, और वो प्राइवेट कंपनी किसी सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, तो वो मैक्सिमम 10 वाली लिमिट में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने कोई कॉन्ट्रावीन किया प्रोविजन को तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा 5,000 से 25,000 तक फॉर एवरी डे आफ्टर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू, जब तक कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू चलेगा आपके ऊपर फाइन लगता रहेगा, ठीक है। सेक्शन 165 नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनीज एंड ऑल्सो फॉर रिकॉर्डिंग द लिमिट ऑफ द डायरेक्टरशिप इन डोरमेंट शैल नॉट बी इंक्लूडेड, सेक्शन 8 कंपनीज और डोरमेंट कंपनीज को हटा दिया गया है, ठीक है। आप 20 उसमें आप उसको हटा दो, 20 में से उसको हटा दो, ठीक है। अभी बस समझ में 165 तक कोई डाउट, इसमें नहीं 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 वो प्रोविजन लेके मिनिमम 2 से इनकॉर्पोरेट, तो ऐसे प्राइवेट हुई ना तो वो आप करेंगे, जब वो सब्सिडरी बन जाएगी तो फिर हम सारी वो काम करने लगेंगे तो हम बढ़ाने लग जाएंगे, ठीक है, तो हमें इंक्रीज करके चलना पड़ेगा, बट प्राइवेट के लिए वो मिनिमम 2 वाला प्रोविजन ही लग के चलेगा जब तक वो सब्सिडरी है, ठीक है, सब्सिडरी नहीं है, चले सब्सिडरी नहीं है, हाँ जब वो, मैंने वही बोला ना, हाँ मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर उसने सब्सिडरी वो बनी किसी पब्लिक कंपनी की तो नेचर क्या आ गया, पब्लिक कंपनी वाला ही आ गया, तो फिर सारे प्रोविजन वही लगेंगे ना, तो मैंने उसी टाइम बताया भी था ना, तो उसको सारे रूल्स वो फॉलो करके चलने पड़ेंगे फिर, तो आएगा समझ में, चले आगे।